Hello, hello. Without wasting much time, let's dive in into the video. Starting with skin prep. सबसे पहले मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें जब मैंने मतलब स्क्वीज़ आउट किया था उसको फेस वॉश को, तो उसमें एक वाटर सब्सटेंस और वो हार्ड सब्सटेंस दोनों अलग थे, तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब आई एम यूजिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र. इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ प्राइमर फॉर माई फेस, बिकॉज आज हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ करके एक फ्लॉलेस बेस क्रिएट करने वाले हैं. तो ये है हमारा वो प्रोडक्ट, इनसाइट का कलर करेक्टर पैलेट विच कॉस्ट ओनली 190 रुपीज़. और सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑरेंज शेड एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दैट इन माई वेरी डार्क एरियाज़. वैसे तो उतने कुछ है नहीं और मैंने कलर करेक्टर पहले यूज़ नहीं किया है, बट आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च एंड रेड अ लॉट अबाउट दिस बिफोर लाइक गेटिंग दिस प्रोडक्ट एंड लाइक अप्लाइंग. तो मेरे फेस पे उतनी ज़रूरत है नहीं इसकी, तो फिर भी कुछ डार्क एरियाज़ हैं तो वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू सी कि कुछ डिफरेंस आता है या नहीं. एंड आई वाज ग्लैड टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट सॉरी जैसे जैसे मेरा ये मेकअप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएगा, आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि कैसा आगे रिज़ल्ट आया. सो आई एम ब्लेंडिंग इट ऑल. स्पॉन्ज गीला कर लिया है, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत पिगमेंटेड है. नाउ आई हैव टेकन अ कलर वेरी क्लोज टू माई स्किन शेड एंड आई एम यूजिंग इट एज अ कंसीलर. तो फिर इसको मैंने उन्हीं डार्क एरियाज़ पे ही लगाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा एरियाज़ पे थोड़ा, मतलब मैंने उन्हें सिर्फ इनर कॉर्नर्स में लगाया था कलर करेक्टर को, और कंसीलर को मैंने अंडर आई के पूरे एरिया में लगाया है एंड अंडर माउथ भी है. अब मैं एक लाइटर शेड यूज़ करूँगी टू हाईलाइट द हाई पॉइंट्स ऑफ माय फेस लाइक माय नोज ब्रिज, क्यूपिड बोन, आई के बिल्कुल इनर कॉर्नर्स में एंड थोड़ा फोरहेड पे, और फिर पता नहीं मैंने यहाँ चिन पे यहाँ पे क्यों लगाया था इसको, शायद आई डोंट नो पता नहीं क्यों लगाया मैंने नीचे, पर ये सारे मेरे हाई पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे मेरे क्या सबके फेस के ये हाई पॉइंट्स होते हैं. तो इस पे मैंने एक दो शेड लाइटर हो सकते हो, मतलब कंसीलर से दो शेड लाइट शेड मैंने यूज़ किया है. तो इसमें जितने भी कलर्स हैं ना सारे यूज़फुल हैं. अगर आप एक इंडियन डस्की स्किन टोन है आपका, इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू. इसके बाद इसमें एक एकदम ही क्यूट सा लाइट बेबी पिंक शेड भी है और एक थोड़ा डार्क शेड है विच इज़ गोइंग टू वर्क एज अ कंटोर फॉर अस. तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे एक स्माइल है छोटी सी, और जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ और एक एक करके जो भी उसका आउटकम आ रहा है, एंड सिंगल प्रोडक्ट कैन डू दिस मच, आई वॉज नॉट नोइंग दिस, आई वॉज रियली अमेज्ड. मूविंग फॉरवर्ड आई एम अप्लाइंग वन लाइक एक जो मैंने कंसीलर के लिए यूज़ किया था उसके दो शेड अप पे नोज़ को पहले मैं कंटोर कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने चीक बोन्स को भी कंटोर करूँगी. और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है प्रोडक्ट का तो बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है और अच्छा टेक्सचर देता है. एंड यू कैन यूज़ अ मेकअप फिक्सर लेटर और पाउडर एंड ऑल वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. इसके बाद मैंने तो सिर्फ ये बेस लगाया था, मतलब विंटर्स में तो कुछ पाउडर एंड ऑल कुछ ज़रूरत ही नहीं है, समर में यू विल नीड इट, बट विंटर्स में तो इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दिस ओनली. कितना ईजी हो जाएगा यार ट्रैवलिंग एंड ऑल के लिए, जस्ट वन प्रोडक्ट एंड यू आर डन. उसके बाद बस आईज़ लिप्स वो सब कर लो. और उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पिंक शेड एज अ ब्लश. आई नो लाइक इट विल नॉट शो दैट मच बिकॉज मेरी स्किन टोन डस्की है और ये काफ़ी ही बेबी पिंक शेड में है, तो ऐसा कुछ बहुत मतलब
बिल्कुल पिंकिश चीक्स नहीं हो जाएंगी, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। वो एक ब्लश वाला इफेक्ट आया एंड दैट्स इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।